तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंस कार्ट के सबसे पॉपुलर फ्रेम के बारे में, जो कि लेंस कार्ट का हसलर आपको देखने को मिलता है। तो इसमें जो आज हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमें इस लेंस कार्ट के हसलर में हमें देखने को मिलता है कि इसके हिंजेस जो है अक्सर ब्रेक कर जाते हैं। चाहे आप कोई सा भी सीरीज का अगर हसलर फ्रेम लेते हैं तो इस साइड से आप देख सकते हैं दोनों साइड के हिंजेस आपको ब्रेक हुए हुए हैं, जो कि इसका एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। जो कि आप प्रीमियम सीरीज लें या इसका बजट कैटेगरी वाला आप हसलर लें, तो सब में जो मेन कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है ये इसके हिंजेस जो है। यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों हिंजेस आपको ब्रेक हो गए हैं। जबकि रिम की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो रिम की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। यहाँ से आपको बहुत ही कम आपको देखने को मिला होगा कि आपके इसके रिम टूटते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम की बात करें तो इस टाइप के हिंजेस जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो इसे लेंस कार्ट के हसलर को हम कैसे फिक्स करेंगे जबकि इसके दोनों साइड के हिंजेस ब्रेक हो गए हैं, तो इसे हमने ऑलरेडी भी वीडियो में दिखा चुका है। तो आज की इस वीडियो में भी हम दिखाते हैं किस टाइप से हम इसे फिक्स करके दिखाएंगे और कंप्लीट आपको स्प्रिंग इसके हिंजेस जो है वर्किंग आपको कंडीशन में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। जो हमारे ब्रोकन हिंजेस आपको देखने को मिलेंगे इसे हम रिप्लेस करने वाले इस टाइप के स्प्रिंग वाले हिंजेस से, जो कि आपको एकदम प्रॉपरली वर्किंग आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इस दोनों हिंजेस को हमें इससे निकालना होगा, उस हिंजेस को इसमें इंसर्ट करके सेट करना होगा। तो आइए दिखाते हैं। देख सकते हैं हमने इसके ब्रोकन हिंजेस को यहाँ से रिमूव कर लिया है। यहाँ ये रहे हमारे ब्रोकन हिंजेस जो दोनों ब्रेक कर गए थे। अब इसे हम इस टाइप के स्प्रिंग वाले हिंजेस से हम इसे रिप्लेस करेंगे। इसमें इंसर्ट करके डायरेक्ट आपको फ्रेम का लुक दिखाते हैं कि बनने के बाद ये कैसा लुक आता है। यहाँ पे टेम्पल वाला पार्ट था उससे हमने ब्रोकन हिंजेस जो थे लेंस कार्ड वाले से उसे हमने रिमूव करके यहाँ नए वाले हिंजेस को स्क्रू के हेल्प से इसे फिक्स कर दिया है, ताकि इसे कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो इस टाइप के हिंजेस को बिना कुछ किए आप इजीली रिप्लेस भी कर सकते हैं। और इसके वर्किंग की बात करेंगे तो बहुत अच्छा वर्किंग है इसका, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। फाइनल लुक की बात करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं हमारा जो ब्रोकन हसलर था उसके हमने हिंजेस को रिपेयर कर दिया है। दोनों साइड हमने स्प्रिंग वाले हिंजेस से इसे रिपेयर किया और इसके स्क्रू सिस्टम से यहाँ देख सकते हैं हमने रिप्लेस किया। यहाँ पे स्क्रू सिस्टम आप देख सकते हैं, पहले उसमें फिक्स सिस्टम आपको देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो हमने इसमें स्क्रू वाले हिंजेस से हम इसे रिपेयर कर दिया है कि फ्यूचर में कुछ भी होगा तो ये हिंजेस को इजीली आप रिप्लेस कर सकते हैं और इस टाइप के अपने हसलर को ओरिजिनल हिंजेस के साथ आप रिपेयर कर सकते हैं। जो यहाँ पे इसके वर्किंग की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं टेम्पल पे जो हमने हिंजेस लगाए हैं राइट और लेफ्ट दोनों साइड में, आपको स्प्रिंग जो इसका प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। और इसके लुक की बात करेंगे तो देखने से कहीं भी पता नहीं चलेगा कि आपको एक रिपेयर हिंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, और फ्यूचर में कभी भी कुछ होगा तो इस टाइप के हिंजेस को आप इजिली रिप्लेस भी कर सकते हैं। साइड बाय साइड आप लुक भी देख सकते हैं, बाहर से देखने पर कहीं से भी आपको एक स्पॉट भी आपको पता नहीं चलेगा कि हसलर जो है आपको रिपेयर हुए हुए देखने को मिल रहे हैं। इसकी फुल डिटेल देखने के लिए हमने एक लिंक भी दे दिया है, वहां भी जाकर के एक हमारे दूसरे हसलर वीडियो का भी आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसके हिंजेस को रिप्लेस किया था। और फाइनल लुक यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का आया है हसलर रिपेयर होने के बाद। वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।